सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग वन यू आई 3 में काफ़ी सारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और इसका फर्स्ट लुक भी आ चुका है और पब्लिक बीटा प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो चुका है कुछ कंट्रीज में और काफ़ी सारे यूजर्स को मिल चुका है एंड्रॉयड 11 और वन यू आई 3 का अपडेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वन यू आई 3.0 के कुछ फीचर्स को यूज कर सकते हैं सैमसंग के किसी भी डिवाइस में। दोस्तों चाहे आपके पास एस सीरीज का डिवाइस हो, नोट सीरीज का डिवाइस हो, ए सीरीज, जे सीरीज, एम सीरीज, किसी भी डिवाइस में वर्क करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, सैमसंग इंटरनेट। ये वन यू आई 3 का सैमसंग इंटरनेट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ सैमसंग इंटरनेट बीटा जो सैमसंग ने वन यू आई 3 में दिया है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो। तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये ओपन हो जाएगा सैमसंग इंटरनेट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके फीचर्स। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद अपीयरेंस में चले जाना है और यहाँ पर सैमसंग ने एक नया फीचर ऐड किया है, हाइड स्टेटस बार। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो स्टेटस बार है वो हाइड हो जाएगा, जिससे आप और अच्छी तरीके से ब्राउजिंग कर पाएंगे। बात करें दूसरे फीचर की तो यहाँ पे शो डेस्कटॉप वर्जन ऑफ साइट्स, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी साइट्स हैं उन सारे साइट्स के डेस्कटॉप वर्जन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप वर्जन में ऑन हो गया है। अगला फीचर है कस्टमाइज मेन्यू। तो आप मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, जो लेआउट देखने को मिल जाता है आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पर भी आप कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड्स को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है और यहीं पे से आप क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड्स ओपन हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। बात करें अगले फीचर की तो अगला फीचर है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। तो आपको दो नए ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपका डिवाइस काफ़ी सिक्योर रहेगा, और ब्लॉक अनवांटेड वेब पेजेस, तो इससे भी आपको काफ़ी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी सिक्योर हो जाता है दो नए। बात करें अगले फीचर की तो यहाँ पे यूज़फुल फीचर्स में हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो असिस्टेंट। तो अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो प्ले किया है, तो मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन में प्ले हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मान लीजिए आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट व्यू की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस से। उसके बाद बात करें थर्ड फीचर की तो थर्ड फीचर है मल्टी विंडो, लेकिन ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। फ्यूचर में जब अपडेट आएगा तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और अब मैं आपको सैमसंग इंटरनेट का वर्जन चेक करा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में अबाउट सैमसंग इंटरनेट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये 13.0.1.7 बीटा। तो ये वर्जन 13 वन यू आई 3 में है दोस्तों, वर्जन 12 वन यू आई 2 में था और वर्जन 13 सैमसंग ने वन यू आई 3 में इंक्लूड किया है। तो आप इस तरह से अपने डिवाइस में सैमसंग इंटरनेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और जो फीचर्स सैमसंग ने वन यू आई 3 में दिए हैं सैमसंग इंटरनेट में, आप उसे यूज कर सकते हैं दोस्तों किसी भी डिवाइस में। चाहे आपके पास सैमसंग का एस सीरीज का डिवाइस हो, नोट सीरीज का डिवाइस हो, ए सीरीज, जे सीरीज, एम सीरीज, किसी भी डिवाइस में वर्क करेगा।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए और यूज कीजिए अपने डिवाइस में। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।